एब्स बनाने हैं तो एब कम कर दीजिए, एब कम कर देंगे तो एब्स बन जाएंगे, आपकी पेट की चर्बी दूर हो जाएगी। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। एक काम तो हर कोई चाहता है कि आचार्य जी एब्स बनाने हैं, कोई तरीका बता दीजिए। तो एब्स बनाने हैं तो एब कम कर दीजिए, एब कम कर देंगे तो एब्स बन जाएंगे, आपकी पेट की चर्बी दूर हो जाएगी। लेकिन साथ में ही कुछ बहुत आसान से योगाभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके पेट की चर्बी आसानी से कम हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे बहुत सरल से अभ्यास बताएंगे जो सब लोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है वो अपने एब्डोमिनल फैट को कम करने के लिए, तोंद को कम करने के लिए, पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अधिक कुछ कर नहीं पाते। तो पहला अभ्यास जो हमें प्रतिदिन लेना है वो है कपाल भाति का अभ्यास। हालांकि नाम से यथा नाम तथा गुणा तो यह है कि ये हमारे कपाल को दमका देता है, तभी कपाल भाति है, लेकिन ये हमारे पेट की चर्बी को कम करने में भी बहुत बहुत लाभदायक होता है। और जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है वो इसे वज्रासन में कर सकते हैं या कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, और जिनको बैक पेन नहीं है वो इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजिशन में बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है, और हर एक्सहेलेशन के साथ पेट के संकुचन को अनुभव करना है। एक बार हमको देखिए, हमारे पेट का मूवमेंट देख पा रहे हैं आप। धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाना है। पचास बार ऐसा करें, 50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दें। जितनी देर सांस को बाहर रोक के रख सकते हैं और पेट को अंदर खींच कर रख सकते हैं उतनी देर ऐसे रुकेंगे, पेट को ढीला छोड़ देंगे, नाक से सांस भर लेंगे, 3 बार लंबा गहरा सांस लेंगे, और ये है आपका 1 राउंड यानी 50 एक्सहेलेशंस का। आप 4 राउंड से शुरू कर सकते हैं, बढ़ाते बढ़ाते इसको 8 राउंड तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, बहुत अधिक बार इसका अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरा अभ्यास पेट की चर्बी को कम करने के लिए हम लेते हैं अग्निसार क्रिया का अभ्यास। अग्निसार क्रिया भी कपाल भाति की क्रिया की तरह ही हमारे षट कर्मों में आती है, शुद्धि क्रियाओं में आती है, और अग्निसार क्रिया में विशेष रूप से आप इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, आप खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप अपने हाथों को अपने घुटनों पर चिका देंगे, ये हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और हमारी पेट की चर्बी को कम करने के साथ साथ एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, अपच जैसी समस्याओं से भी हमें मुक्ति दिलाता है। तो इस स्थिति में बैठना, हल्का सा आगे झुकेंगे ताकि ये जो आपका एब्डोमिनल रीजन है वो पूरी तरह से ढीला हो जाए। पूरा गहरा सांस छोड़ना, ऐसे जैसे कोई टायर की हवा निकाल देता है, यानी पूरा सांस बाहर छोड़ दिया। अब सांस बाहर ही रुका रहेगा, पेट को इन एंड आउट ऐसे मूवमेंट देना है जैसे ऐसे हम कपड़ा झाड़ देते हैं, ऐसे पेट का मूवमेंट होगा। एक बार देखिए आप, ये हमारा पेट है, इसे टाइट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आप देख पाए। क्योंकि हमने सांस को बाहर रोका हुआ है तो बाहर रुकी हुई सांस में यानी एक्सहेल्ड पोजीशन में जितनी बार मैक्सिमम पेट को इन एंड आउट मूवमेंट दे सकते हैं उतनी बार दीजिए, फिर नाक से सांस ले लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। ऐसा भी आप 3 से 5 बार तक दोहरा सकते हैं, बहुत अधिक अभ्यास ना करें वरना लोअर एब्डोमेन में आपको हल्की दुखन भी महसूस हो सकती है। सिर्फ 3 से 5 बार इसका अभ्यास करें। तीसरा अभ्यास में हम करते हैं उद्यान बंध का अभ्यास, यानी ये वो प्रैक्टिसेस हम बता रहे हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है, निरापद प्रैक्टिसेस हैं, और आपके पेट की चर्बी भी कम हो सकती है। अदरवाइज पेट की चर्बी कम करने के जो और अभ्यास होते हैं उसमें कमर खराब हो जाती है, कमर में बहुत स्ट्रेन पड़ता है, कमर की कोई चोट है या कोई दिक्कत है तो वो लोग कर ही नहीं सकते, तो ये अभ्यास हर कोई कर सकता है। तो उद्यान बंध में भी इसी तरह से वज्रासन में बैठेंगे, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो खड़े होकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्थिति में बैठना, पूरा सांस बाहर छोड़ देना, सांस बाहर छुटा रहेगा, और अपने पेट को अंदर खींच लेना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, पेट को अंदर खींच करके ही रखेंगे जितनी देर सांस को बाहर रोक के रख सकते हैं, कोई मूवमेंट नहीं देना, और फिर पेट को ढीला छोड़ देना, नाक से सांस ले लेना। एक बार देखिए कैसे करना है।
देखा आपने, हमने पेट को पूरा संकुचित किया, फिर पेट को ढीला छोड़ दिया और नासिका से सांस ले लिया। उड्यान का बंद का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। ये तो हुए हमारे 3 अभ्यास जो हर कोई कर सकता है। अब 2 ऐसे अभ्यास समझ लीजिए जो वो लोग नहीं कर सकते जिनको कमर में दर्द है, बाकी हर कोई उसका अभ्यास कर सकता है। बहुत सरल है, आप इस तरह से अपने पेट के बल नहीं लेटेंगे, कमर के बल लेटेंगे। इस तरह से कमर के बल लेटना, और पहला अभ्यास है पादोत्थान आसन, यानी स्थिति में लेटना, सांस भरते हुए दोनों पैरों को 45 डिग्री के एंगल पर उठाना, सांस को अंदर रोक के रखना और दोनों पैरों को भी उसी स्थिति में रोक के रखना जब तक आप सांस को अंदर रोक के रख सकते हैं। कैसे? पैरों को वापस ले आए, नासिका से सांस छोड़ दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। इसका अभ्यास भी आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। इसमें आपके हृदय की तरफ रक्त का संचार होता है, तो ये आपके हार्ट एलिमेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है और ये आपके एब्डोमिनल फैट को तो दूर करता ही है। और इसी के साथ हम पाद हस्त गति का अभ्यास कर लेते हैं, 5वां अभ्यास हमारा, यानी इसी स्थिति में पैरों को ऊपर उठाना, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए पैरों को फोल्ड करना, ऐसा 10 बार करेंगे, फिर पैरों को वापस ले आएंगे। और जब आप उठेंगे तो सीधा नहीं उठना है, हमेशा करवट लेना है और फिर उठ करके बैठना है। अगर आप सीधा बैठते हैं तो ये आपकी कमर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये जो हमने अंतिम अभ्यास किया, ये 10 रिपीटेशन का 1 राउंड है। आप 3 राउंड्स प्रतिदिन कर सकते हैं। पहले 1 राउंड से शुरू कीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड्स तक ले जाइए। पर अगर आपको अपनी तोंद कम करनी है तो आप अपने भोजन का ध्यान रखें, प्रकृति के सानिध्य में समय जरूर बिताएं। जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन लेंगे उतना आपके शरीर का फैट बाहर जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा। सिर्फ कसरत ही सब कुछ नहीं है, योग, क्योंकि पूर्ण जीवन शैली, आज तो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो आपको आहार का ध्यान रखना है, व्यवहार का ध्यान रखना है, विचार का ध्यान रखना है, आचार का ध्यान रखना है, अपने आचरण का भी ध्यान रखना है। सूर्य के सानिध्य में समय जरूर बिताएं, 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं जिसमें सनलाइट लें, खुली हवा में सांस लें, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगा। तो अब तो विदेशों में ऑक्सीजन थेरेपी, यानी ऑक्सीजन दी जा रही है फैट को रिड्यूस करने के लिए। आपके पास तो प्राणायाम है, आपके पास तो प्रकृति है, आपके पास तो सूर्य देव हैं, तो आप ये जरूर करें। भोजन सात्विक आहार लें, पानी खूब पिएं और नियमित रूप से योगाभ्यास करें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।